हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल देखिए फ्रेंड्स जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग एक एन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ जो कि आपकी जनरल साइंस की होगी और आपकी सोशल साइंस की होगी ठीक है अब ये जो सीरीज़ है ना केवल ऐसे चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ठीक है चाहे आपका कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो चाहे आपका आप के का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो डी ट्रिपल एस बी कर रहे हो इसके अलावा कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे भी आपका सोशल साइंस पूछा जाता है आपका जनरल साइंस ठीक है आपका जनरल साइंस पूछा जाता है उसके लिए ये पूरी सीरीज आप लोगों की इंपॉर्टेंट रहेगी हमने पूरी एन को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीधा क्वेश्चंस के थ्रू आपको कवर कराएं ठीक है एम के थ्रू हम लोग आपको कवर कराएं ताकि जल्दी से आपका सारा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाए ठीक है तो ये दो सब्जेक्ट्स फिर आपको इधर उधर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जल्दी जल्दी से हम ये सारा कवर करा दें ठीक है सो एक और चीज़ है देखिए अब एक और चीज़ है देखो अगर आपको ये अच्छा लगे ठीक है तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में, में ज़रूर बताना तो हम आपके जो कमेंट्स होंगे उसी के थ्रू हम एक्शन लेंगे कि भई अगर अच्छा लगता है तो फिर उसको हम कंटिन्यू करें या फिर क्या करें तो आप लोग जैसा बोलेंगे उस तरीके से चीज़ें करी कराई जाएंगी सो आज का बेसिकली आपका पहला सेशन है सो so चलिए आप लोग उस सेशन को देखिए वॉच कीजिए क्वेश्चन को कीजिए अच्छे से ठीक है और अपनी शॉर्ट नोट जरूर बना लेना प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं जिस भी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं अपना एक नोटबुक लेकर बैठो और जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें एक अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो ठीक है कॉज एंड टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि भाई आप सारी वीडियोस देख के जाओगे एंड टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आता जो चीज़ हम पढ़ के लिखे हुए होते हैं ना एक जगह बस वही चीज़ एंड मौके पे काम आती है ठीक है so, सो इसलिए आप लोग अपनी नोटबुक को लेके बैठेंगे जो जो चीज़ें हम करा रहे हैं उसको जल्दी ज़ जल्दी से आप अपना एक जगह नोट करेंगे ठीक है ताकि एंड मोमेंट पे आप उसको रिवाइज कर सकें सो चलिए लेट्स स्टार्ट अ सेशन लेट्स स्टार्ट हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल देखिए भाई जैसे कि हमने बोला था कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो भी आपका एन में क्लास सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक ठीक है आपकी एन जो होती है ना क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ इसमें हम एस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यानी सोशल साइंस और एक आपका साइंस ठीक है आज आपका ये पहला पार्ट है इसी तरीके से आपकी डेली पार्ट वाइज क्लास अपलोड होंगी है ना थंबनेल पे भी हम हैश टैग वन हैश टैग टू करके ऐसे क्लासेस डाल देंगे है ना ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो अब आप ना मेरी बात एक चीज़ ध्यान से सुनना ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ है ना एक्चुअली एन इसमें हमने पूरी आपको क्वेश्चन के थ्रू कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम ठीक है कि हम आपको क्वेश्चन के थ्रू एन टी कवर करा दें तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि उसी के अंदर क्वेश्चन वही सारा आंसर आप लोगों का छुपा होता है और वही सब चीज़ें आपकी फिर एग्जाम्स के अंदर आ जाती हैं ठीक है ठीके? तो अब आपको फिर इधर दो उधर से पूरी लाइक एन सी आर टी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी जैसे एस एस चंडीगढ़ वाले बच्चे हैं उनका पूरा टेंथ तक आना है पी आर टी वालों का ठीक है टी जी टी वालों का ट्वेल्थ तक एन सी आर टी साइंस और सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं पे मेनली बाकी अदर सब्जेक्ट्स आप लोग अपने हिसाब से करते रहना और अगर आपको लगे कि मैम लाइक हिंदी के या किसी अदर सब्जेक्ट्स के लिए कोई बुक बता दो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अब एक और चीज़ है देखो ना केवल एसएससी वाले स्टूडेंट्स बल्कि जहां, जहां, जिस जिस स्टूडेंट्सिव एग्जाम्स में आप लोगों का ये आपका साइंस आता है आपका सोशल साइंस आता है ठीक है आपके जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत ज्यादा एक यूजफुल और बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सेशन है तो आप लोग इनको ध्यान से करेंगे सो so, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आपका एन स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं ठीक है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और कवर करेंगे पूरी एन थ्रू क्वेश्चन के सीरीज़ के थ्रू ठीक है सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम देखिए ये हमने आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ देखो क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से फ्रेम करा है डिज़ाइन किया है ताकि मतलब आपको ना फिर अलग से ऑप्शनस ना पढ़ने पड़े कि अच्छा इसका ये उसका वो नहीं मैंने इस तरीके से लिख दिया है भैया जो सीधा इसका आंसर है ना आप वो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना आपको फिर इधर उधर से अदर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि भई विच ऑफ द विच ऑफ दीज आर द प्लांट प्रोडक्ट्स ठीक है इनमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट है तो देखिए घी बताइए क्या घी प्लांट प्रोडक्ट है नहीं भैया घी तो प्लांट प्रोडक्ट नहीं है ठीक है अब बात करते हैं शुगर यस शुगर आपका प्लांट प्रोडक्ट होता है ध्यान रखना क्योंकि शुगर हमको कहाँ से मिलता है शुगर केन से मिलता है है ना हनी जो होता है वो बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट में नहीं आता क्योंकि जो हनी होती है ना वो बेसिकली जो बीज होते हैं आप लोगों की है ना मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं जो फ्लावर होता है उस पे से वो सारे रस को लेती हैं ठीक है ठीके? पीती हैं जो नेक्टर जिसको आप बोलते हैं फिर उससे वो अपना क्या बनाती हैं शहद वगैरह बनाती हैं तो इसलिए ये आपका प्लांट प्रोडक्ट में हनी नहीं आता है और ये पता है काफ़ी ज़्यादा ना एक डिबेटेबल मतलब थोड़ा सा ऑप्शन हो जाता है कई बार इस पर चीज़ें चली हैं बट फाइनली ये है कि भैया हनी आपका प्लांट में नहीं आता ठीक है हनी आपका एनिमल में ही आता है सो हनी आपका नहीं है लेकिन कुकिंग ऑयल है ये आपका होता है जो बटर है ये भी नहीं होता यानी कि घी हनी और बटर आपके नहीं होते हैं और शुगर और कुकिंग ऑयल आप लोगों का प्लांट प्रोडक्ट्स है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट ठीक है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट आपने बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है अब देखो जो पहला ऑप्शन है ये है पोटैटोज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट जो पोटैटो होते हैं वो प्लांट की क्या होती है रूट्स होती हैं तो ये सही है ठीक है ये सही है उसके बाद है चिलीज़ आर द लीवस ऑफ प्लांट ठीक है ये सब चीज़ें प्लीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना इसीलिए मैंने ऐसे ऑप्शन आपको लिख दिए हैं जो आपको फिर इधर उधर से नहीं गुमरा नहीं होना पड़ेगा आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना पड़ेगा सीधा बस ये ऑप्शन देखो और इनको अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ भैया पोटैटोज रूट्स होते हैं प्लांट का ठीक है जो चिलीज़ होती है वो प्लांट की लीव होती है और जो कैरेट्स होते हैं ना वो स्टैम्स होते हैं प्लांट के ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लो ये सारे ही सही हैं इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है ये सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल से सही हैं ठीक है ठीके? इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसमें आपने ना करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा सही है ठीक है कौन सा सही है तो देखो जो आपका विटामिन सी होता है ठीक है विटामिन सी जो होता है इससे आपकी स्कर्वी होती है बिल्कुल सही है ध्यान रखना आपके एग्जाम्स में किसी भी तरीके से आपको कोई सा भी चीज़ पूछ सकता है कि बताइए विटामिन ए से क्या होता है ठीक है आपका विटामिन uh, डी से क्या होता है कुछ भी पूछ सकता है तो ये इसलिए मैंने आपको सारे ऑप्शन सही सही बता दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो येस विटामिन सी से आपकी कौन सी डेफिशंसी का मतलब होता है कमी तो कौन सी कमी होती है स्कर्वी आपको विटामिन सी से होता है ध्यान रखना ठीक है अब विटामिन सी किस किस में मिलता है जैसे आपका लेमन है ऑरेंज है जो आपको हो जाती है ना आंखों में जो दिक्कतें होती है ये सारी चीजें हमको विटामिन ए की कमी से होती है ठीक है ध्यान रखना ये भी सही है आयोडीन की कमी से क्या होता है ग्वाइटर ठीक है आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो उससे आपने देखा होगा गले पे ऐसे मोटा मोटा पूरा हो जाता है ना तो ये इससे होता है ये भी बिल्कुल सही है उसके के बाद विटामिन डी से अगर हम बात करते हैं जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे आपका इस बीमारी को क्या बोलते हैं डेट्स कॉल रिकेट्स होता है ठीक है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है ये भी सही है उसके बाद विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से क्या होता है विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से आपका बैरी बैरी होता है ये भी बिल्कुल सही है और कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो उससे आपका बोन और जो टीथ ठीक है इस हड्डियों में दिक्कतें ठीक है दांतों में दिक्कतें ये सारी चीज़ें आपकी कैल्शियम की कमी से होती हैं तो ये सारी चीज़ें अच्छे से एकदम रट लेना दिमाग में बिठा लेना ठीक है आपसे कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया वॉट इज़ द टर्म रफेस ठीक है आपने अगर जब अगर एन पढ़ी होगी तो उसमें यह टर्म आया है जो उसमें बोला गया है कि भैया रफेस जो टर्म है ये बेसिकली है ठीक है रफेज जो वर्ड है ये क्या है तो मैंने यहां पे आपको सीधा एक आंसर एक लाइन में लिख दिया है ठीक है ताकि आपको डायरेक्टली मतलब इधर उधर मत हमें बकवास इधर उधर नहीं करनी है हमने तो बस अपना सीधा डायरेक्टली देखना है कि भैया क्या आंसर है हमें सीधा समझा दो है ना सो so, जो रफेज होता है वो एक आपकी डायट्री फाइबर होती है कैसी फाइबर होती है डायट्री फाइबर होती है जो आपको कहाँ से प्रोवाइड होती है जो भी आपके प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं ना हमारे फूड के अंदर उससे जो हमें बेसिकली फाइबर मिलता है वही आपका रफेज़ कहलाया जाता है जैसे कि होल ग्रेन्स एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रफेज़ के जैसे होल ग्रेन्स होते हैं ठीक है दाल हैं पोटैटोज हैं कोई भी आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं तो ये सारे एग्जांपल्स हैं और ये सारे एग्जांपल्स रफेज के हैं ठीक है ठीके? तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं ये कह रहा है न्यूट्रेंट्स रिच सोर्सेज आर देखो जो न्यूट्रेंट से बढ़े जो भरे जो बेसिकली सोर्सेज हैं ठीक है ठीके? ये कौन कौन से देखो आयरन ठीक है आयरन जो होता है आपके अंदर आपने देखा होगा जो आयरन है पालक वगैरह से आपको आयरन मिलता है ठीक है तो ध्यान रखना आयरन का सबसे बढ़िया सोर्स कैल्शियम का सबसे बढ़िया सोर्स यहाँ पे आपका मिल्क है आपको अगर मान लीजिए मैच के लिए आ जाए कि बताइए इसमें से कौन सा सही है तो आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए आयोडीन का सी फूड जो होता है ठीक है सी फूड से हमें आयोडीन मिलता है और जो प्रोटीन है वो बेसिकली हमें मीट फिश इन सबसे मिलता है ठीक है सारी चीज़ें एकदम से सही हैं इनको आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेना ठीक है समझ लेना एक और चीज़ है भाई कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बताना अगर आपको सीरीज अच्छी लगे ठीक है तो हम फिर कंटिन्यू करें वरना फिर बुक्स वगैरह आप लोग अगर आपको नहीं पसंद आए या कुछ आपको लगे तो फिर आप बुक्स वगैरह हम बता देंगे या डायरेक्टली बुक से कर लेना हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से एन से निकाले हैं ठीक है ढूंढ ढूंढ के कोई बुक्स वगैरह का नहीं है मतलब क्योंकि हमने पूरी एन कवर की हुई है तो वहीं से सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि हम लोग मार्क कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना जब हम पढ़ते हैं तो बस वहीं से फिर ये क्वेश्चन हमने आपके लिए बना दिए तो आप बता देना जैसा आपको ठीक लगे ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दे इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है है ना तो नेचुरल फाइबर देखो सिल्क जो होता है वो नेचुरल फाइबर है ध्यान रखना कॉटन भी नेचुरल है जूट भी नेचुरल है वूल भी नेचुरल है ठीक है ये आपके एग्जाम से कुछ भी पूछ सकता है लेकिन जो पॉलिस्टर है वो नेचुरल नहीं होता वो बेसिकली आपका सिंथेटिक में आता है ठीक है ये आपका नेचुरल नहीं होता पॉलिस्टर पॉलिस्टर के अलावा आपके सारे नेचुरल हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखना इसके बाद नेक्स्ट है विच आर द करेक्ट बताइए इनमें से कौन सा सही है ठीक है वैसे तो मैंने सारे ऑप्शन यहाँ सही डाले हैं बट चलो देख हैं जो कॉटन है वो एक खारीफ क्रॉप है ये बिल्कुल सही बात है कॉटन कैसी क्रॉप है अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ये आपकी खारिफ क्रॉप है ध्यान रखना गुजरात और जो महाराष्ट्र है ये दोनों मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉटन प्रोड्यूस होती है वो इन दोनों में ही होती है गुजरात एंड महाराष्ट्र में ध्यान रखना इसके बाद है चाइना इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड यस अगर सबसे पहला अगर सबसे बड़ा हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखते हैं ना कॉटन का डेट इज़ चाइना और चाइना के बाद मान लो अगर आपसे सेकेंड में पूछ लिया जाए तो सेकेंड पे है इंडिया याद रखना और थर्ड पे है यू ठीक है ये दो चीज़ और आप याद रखनी है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं आ, एक और चीज है देखो वैसे तो इंग्लिश में क्वेश्चन है बट हम समझाओ तो हिंदी में ही रहे हैं है ना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बट अगर आपको लगे बायलिंग रखना है तो फिर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना ठीक है मतलब जैसा भी आपके रिव्यूज कॉमेंट सेक्शन में आएंगे उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बताइए इसमें से कौन सा सही है है ना तो देखो जो जूट प्लांट होते हैं देखो एक एक चीज़ को ध्यान से समझना कोई चीज़ आपकी बस मिस्टेक ना हो जाए जो जो मैं बता रही हूँ तो अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लो देखो क्या करो एक कॉपी रख लो अपने पास ठीक है उसमें अपनी जो जो तो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ उनको अपने अपने फॉर्म में बहुत शॉर्ट 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 नोट कर लो ताकि एंड टाइम पर आप उसको रिवाइज़ कर पाओ ठीक है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं देखो जो जूट प्लांट होता है वो नॉर्मली हार्वेस्टेड इट्स फ्लावरिंग स्टेज जो जूट प्लांट होता है ना उसको हम हार्वेस्ट तब करते हैं जब वो अपनी एक फ्लावरिंग स्टेज पर होता है और पता है जो जूट होती है बेसिकली ये आपके यस जो आपके वैसे वाले सीजन होते तो हैं ना मानसून वगैरह सीजन उस टाइम पर ये चीज़ होती है तो आप ये ध्यान रखना जब वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज में होता है उस टाइम पर इसको हार्वेस्ट किया जाता है बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद इंडिया के अंदर जूट अगर देखा जाए मेनली तो वो आपका बिहार में ग्रो होता है असम में होता है और वेस्ट बंगाल में होता है ठीक है ये भी है जिस जिस भी स्टूडेंट ने एनसीआर कवर कर कर, कर रखी होगी ठीक है पढ़ा हुआ होगा एनसीआरटी का तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी उसमें ठीक है पूरी मेन मेन लाइंस में आती हैं बट ऐसा होता है ना कि मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरी बड़ी बड़ी बुक हम इतना पढ़ें और लाइक सोच के डर लग जाता है कि अरे यार सिक्स टू टेंथ या सिक्स टू ट्वेल्थ एनसीआर टी कवर करनी है कैसे करें सो so, उसी के लिए बस एक छोटा सा ये ऑप्शन हो जाता है कि चलो डायरेक्टली इसलिए हमने सोचा सीधा क्वेश्चन के थ्रू कवर कराया जाए तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और जल्दी से आपकी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी है ना तो जूट प्लांट का ध्यान रखना भैया फ्लावरिंग स्टेज में टाइम पर हार्वेस्ट होता है और दूसरा जहां पे जब बारिश वगैरह ज्यादा होती है उस समय पे इसको बेसिकली लगाया जाता है और दूसरा ये है कि भैया सबसे ज्यादा जो मेनली ग्रो होता है ये बिहार में असम में और वेस्ट बंगाल में है ना इसके बाद है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों ही मैंने करेक्ट ही इसलिए मैं बोल रही हूँ मैंने जो करेक्ट में स्टेटमेंट ही करेक्ट मैंने ही रखे हैं ठीक है इसलिए मैंने रखे हैं ताकि फिर आपको सीधा करेक्ट आप लोग आपके दिमाग में होना चाहिए तो हर्ब्स जो होते हैं देखो हर्ब्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके के अंदर एक मेडिक medic, जो एक मेडिसिन वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना मेडिकनर्स सो डैट इज़ ये प्रॉपर्टीज़ होती है ठीक है लेकिन यहाँ पे ओनली आ गया है तो इस वजह से गलत हो गया ओहो क्या होता है ना जब किसी क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएँ ओनली है ना या कुछ इस तरीके से लाइक like, नेगेटिव चीज़ें आ जाएँ तो वो आपके मोस्टली गलत ही होते हैं अगर ये ओनली नहीं लिखता अगर ये ओनली मैं यहाँ पे नहीं लगाती तो ये आपका ऑप्शन सही होता बट अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो इस हिसाब से पहला वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ओनली आ गया ठीक है ट्रीज़ वैसे ही सही था कि हाँ भैया हब्स के अंदर आपकी जो भी आपकी मेडिसन्स वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट ऑनली लगाते ही ना बात खराब हो गई है अब नेक्स्ट है ट्रीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्यूल फूड एंड पेपर यस ये वाला यहाँ पे सही है ठीक है पहला वाला गलत है लेकिन दूसरा वाला सही है कि जो ट्रीज होते हैं वो सोर्सेज होते हैं फ्यूल के फूड के पेपर के तो ये यहाँ पे सही है ठीक है चलिए नेक्स्ट है बिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द लीफ ठीक है एन में सब चीजें आई हुई हैं इनमें से बताना है कौन सा पार्ट है लीफ का देखो जो आपका पेटियॉल है ठीक है ये भी पार्ट होता है लीफ का लेमिना भी पार्ट होता है ध्यान रखना अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर लो लिख लो कहीं पे सारी चीजें ताकि एंड मोमेंट पे रिवाइज कर पाओ है ना और uh, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं यार कि आप लोग लास्ट में फिर से सारी सारी थोड़ी ना वीडियोस देख पाओगे इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी राइटिंग में दुनिया को हमको नहीं दिखाना है कि बहुत सुंदर से सजा सजा के लिखो भाई जैसे लिखो गंदा लिखो टेढ़ा लिखो आरा कैसा भी आपने लिखना है बस आपको समझ आ जाए और आपका एंड मोमेंट पर रिवाइज हो जाए बात खत्म ठीक है लेमिना जो होता है वो भी एक पार्ट होता है लीव का जो मिडरेब होती है वो भी एक पार्ट ठीक है ऐसे जैसे मान लो ये लीव लीव आपकी ठीक है पत्ती होती है ना तो ऐसे 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 करके तो ये क्या होता है ना जो इसका बीच वाला है इसको मिडरिप कह देते हैं जो इधर उधर उधर ऐसे इसकी वीन्स होती हैं ठीक है ठीके? तो वीन्स हो जाती हैं ये इसी तरीके से आपके ये जो वेनेशन होता है ना वे, भी आपके बहुत तरह के होते हैं तो ये जो वेनेशन वाला टर्म है ये भी आपका लीफ के अंदर ही निकल के आता है तो ये सारे पार्ट्स हैं लीफ के ठीक है तो ऑल आर द पार्ट्स इसको याद रखना आप लोग ठीक है इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रस रूट्स एंड लेटरल रूट्स बताइए इनमें से फाइब्रस रूट्स और जो लेटरल रूट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है तो देखो ध्यान से देखना जो मेन रूट होती है ठीक है जो मेन रूट होती है उसको टैप रूट बोलते हैं अगर आपका आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज टैप रूट और ऑप्शन में हो मेन रूट ये रूट वो रूट तो आप बता देना मेन रूट ठीक है और जो स्मॉलर रूट होती है जो सबसे छोटी रूट होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल रूट याद रखना मेन रूट होती है टैप रूट स्मॉलर रूट होती है लेटरल रूट ठीक है वेयर एज जबकि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है ऑल रूट सीम सिमिलर एज दीज ठीक है ये एज होगा मतलब कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है जितनी भी रूट्स होती हैं ना ये इनकी तरह लगती हैं तो उसी को हम एक बेसिकली क्या बोल देते हैं लेटरल रूट्स बोल देते हैं ठीक है ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बेसिकली याद रखनी है इसके बाद है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अब जैसे लीफ का आया इस तरीके से मान लो आपसे फ्लावर का पार्ट पूछ लिया तो ये पता होना चाहिए कि जितने भी मैंने लिखे हैं ना ये सारे पार्ट्स हैं फ्लावर के कौन कौन से स्टेमिन भी होता है ओवेरी भी होती है पिस्टल भी होता है अनैदर ये भी होता है ठीक है ये एंथर होगा आई थिंक सो ये अनेदर नहीं होगा ये एंथर होगा ठीक है तो ये सारे सारे पार्ट्स होते हैं फ्लॉर के ये ध्यान रखना है ना टर्म आपने बताना है इसमें करेक्ट टर्म कौन सी है ठीक है मतलब इसमें करेक्ट टर्म क्या है तो देखो ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है जो प्लांट्स जिसके अंदर लीव्स होती हैं एक रेटिकुलेट वेनिशन के साथ उस हैव ठीक है ध्यान रखना जो प्लांट्स प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स उनके अंदर क्या होती है ऐसे प्लांट्स के अंदर टैप रूट्स होती हैं कैसे प्लांट्स जिसके अंदर रेटिकुलेट वैनिशन हो कैसे प्लांट्स जिसके अंदर एक रेटिकुलेट वैनिशन हो उसको हम टैप रूट्स बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को ठीक है उनकी रूट्स टैप रूट्स होती हैं जबकि ऐसे प्लांट जिनके पास जो पत्तियाँ होती हैं जिनकी पत्तियों के अंदर पैरेलल वेनिशन होता है ठीक है आपने देखा होगा ना कुछ तो इस तरीके से होता है जैसे इधर 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 ऐसे इस, इस तरीके से होगा कुछ ऐसे ऐसे तो ये उसी चीज़ के बारे में बता रहा है अगर मान लो जो पैरेलल वेनेशन की बात करते हैं तो उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं है ना अभी ऊपर आया था ना फाइब्रस रूट और लेटरल रूट ये सब तो वही वाली चीज़ है जिन प्लांट्स के अंदर फिर अगेन मैं बोल रही हूँ जिन प्लांट्स के अंदर वेनेशन रेटिकुलेट होता है वो तो टैप रूट्स हो जाते हैं और जिन प्लांट्स की पत्तियों के अंदर आपका वेनेशन पैरलर होता है वो आपके फाइब्रस रूट्स होते हैं ठीक है ठीके? ये दोनों में डिफ्रेंस है चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्केलेटन सिस्टम इस बताइए स्केलेटन सिस्टम आपने पढ़ा है ना तो उसका आपको सबसे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बताना है देखो सबसे पहला स्टेटमेंट है पढ़ते हैं चलिए देखते हैं क्या है बोन्स और कार्टिलेज फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी ठीक है ये फॉर्म होगा ठीक है फॉर्म है ये मैंने फॉर्म लिख दिया है यहाँ पे एफ ओ आर एम होगा है ना जो बोन्स होते हैं और जो कार्टिलेज होते हैं ये पूरा स्केलेटल बनाते हैं हमारी स्केलेटन बनाते हैं हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके बाद है इट गिव्स फ्रेम एंड शेप टू बॉडी एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ये भी बिल्कुल सही है भाई हमारी पूरी बॉडी को फ्रेम भी यही देते हैं है ना बॉडी को शेप भी यही देते हैं तो ये भी सही है और उसके बाद ये प्रोटेक्ट करते हैं इनर ऑर्गन को हमारी बॉडी का ये भी बिल्कुल सही है हमारी इनर जो बॉडी का इनर ऑर्गन है उसको ये प्रोटेक्ट भी करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट पेयर आपने बताना है और ये आज के आपके सीरीज़ का जो फर्स्ट लेक्चर है जो फर्स्ट क्लास आप बोल सकते हो मतलब जो फर्स्ट क्लास है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को अदरवाइज़ फिर आप डायरेक्टली बुक से भी पढ़ सकते हो है ना जैसा भी आप लोगों को लगे चलिए नेक्स्ट है करेक्ट पेयर्स आपने बताना है तो करेक्ट पेयर्स देखो जो फिक्स जॉइंट होता है वो स्कल में होता है याद रखना ठीक है फिक्स्ड फिक्सड पॉइंट होता है जॉइंट ठीक है उसके बाद है हिंज जो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंज ज्वाइंट कहाँ होता है तो ये एल्बो में होता है एल्बो में कौन सा ज्वाइंट होता है हिंज ज्वाइंट और जो आपका नेक्स्ट आता है डेट इज कॉल्ड आपका आ, एक मिनट ये जो आता है आप लोगों का पाइवेटल जॉइंट्स ठीक है ये बेसिकली आर्म और नेक में आपको मिलेगा है ना ये जो आपके जो मूवेबल्स जो चीज़ें होती हैं ना वहाँ पे आप लोगों के पाइवेटल जॉइंट्स मिल जाता है तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे ठीक सो ये था आपका आज का पूरा सेशन आई थिंक फिफ्टीन सिक्सटीन क्वेश्चन थे अब अगर आपको लगता है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे दैन फिर ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन भी लेके आएंगे ठीक है क्योंकि ऑलमोस्ट आपके आई थिंक छः सौ सात सौ क्वेश्चन में कवर हो जाएगा ये पूरा एन सी आर टी ट्वेल्थ तक साइंस की बाकी एस एस टी भी हम लोग फिर आ, दोनों चीज़ों को हम आ, एक साथ करेंगे है ना तो मतलब एक एक लेक्चर एक लेक्चर एक दिन में साइंस का भी आएगा और शाम में टाइम हम बता देंगे एक दिन में दो दो आपकी क्लासेज आया करेंगे ठीक है एक साइंस की और एक एस एस टी की ओके सो थैंक यू सो मच विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टे हैप्पी And stabilized.